हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जुलाई में होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षाओं के लिए 20 जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। मई में घोषित 10वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम में 1682 परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट आई थी। 12वीं में कंपार्टमेंट रिजल्ट वाले परीक्षार्थियों की संख्या 13,335 है। 30 जून के बाद अभ्यर्थियों से 1,000 रुपये तक लेट फीस वसूली जाएगी। बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि कंपार्टमेंट परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी 20 से 30 जून तक निर्धारित शुल्क समेत आवेदन कर सकते हैं। बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा में कंपार्टमेंट और केवल अंग्रेजी विषय के लिए 30 जून तक 550 और एक अतिरिक्त विषय के लिए 550 और जमा दो डिप्लोमा होल्डर यूपीयर के लिए 550 रुपये की फीस के साथ 30 जून तक आवेदन किया जा सकता है। 10वीं और 12वीं कक्षा में किसी एक विषय के प्रदर्शन में सुधार के लिए 850 रुपये शुल्क के साथ 30 जून तक आवेदन किया जा सकता है। 30 जून के बाद 5 जुलाई तक अभ्यर्थी 1,000 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने सभी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि अपने परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्रों की ऑनलाइन प्रेषण प्रक्रिया निर्धारित तिथियों तक पूरी कर लें। निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए। सोनी ज्वेलर्स आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं। खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारे। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार, महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जुलाई में होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षाओं के लिए 20 जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। मई में घोषित 10वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम में 1682 परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट आई थी। 12वीं में कंपार्टमेंट रिजल्ट वाले परीक्षार्थियों की संख्या 13,335 है। 30 जून के बाद अभ्यर्थियों से 1,000 रुपये तक लेट फीस वसूली जाएगी। बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि कंपार्टमेंट परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी 20 से 30 जून तक निर्धारित शुल्क समेत आवेदन कर सकते हैं। बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा में कंपार्टमेंट और केवल अंग्रेजी विषय के लिए 30 जून तक 550 और एक अतिरिक्त विषय के लिए 550 और जमा दो डिप्लोमा होल्डर यूपीयर के लिए 550 रुपये की फीस के साथ 30 जून तक आवेदन किया जा सकता है। 10वीं और 12वीं कक्षा में किसी एक विषय के प्रदर्शन में सुधार के लिए 850 रुपये शुल्क के साथ 30 जून तक आवेदन किया जा सकता है। 30 जून के बाद 5 जुलाई तक अभ्यर्थी 1,000 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने सभी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि अपने परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्रों की ऑनलाइन प्रेषण प्रक्रिया निर्धारित तिथियों तक पूरी कर लें। निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।